खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां पर सिवाना पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर आरएलपी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम और नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान दोनों पार्टियों ने बिना प्रत्याशी की उपस्थिति के फॉर्म वापस लेने के आरोप भी लगाए हैं। इसके चलते कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार बाबू सिंह के खिलाफ उपखंड कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। साथ ही विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा कि जब आरएलपी प्रत्याशी सिवाना उपखंड कार्यालय पहुंचा ही नहीं तो फिर फॉर्म वापस कैसे लिया गया। जो यहाँ चुनाव अधिकारी के रूप में है, उन्होंने कल जो फॉर्म की जांच के अंदर अनलीगल फॉर्म ये जनप्रतिनिधियों द्वारा दबाव में आकर फॉर्म खारिज किए, और इसके बाद में ये वार्ड नंबर 7 वहाँ एक आरएलपी का कैंडिडेट था, वो यहाँ आया ही नहीं, और उनके पिताजी, उनके उनका बच्चा, उनका जवाई दामाद सारे यहाँ बैठे, और उनका मन मर्जी से उसका विड्रॉल ले लिया समय से पहले। और वो बता रही है कि चुनाव अधिकारी जी बता रहे हैं कि हमने पहली वो देखे गए जो कि एसडीएम कोर्ट के परिसर में भी वो नहीं घुसे। नाम वापसी की प्रक्रिया के दौरान कैंडिडेट स्वयं उपस्थित होता है और अपना नाम वापसी का फॉर्म देता है, उसके आधार पर ही नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होती है और इस प्रक्रिया के अधीन ही यह कार्य किया गया है। बाकी सभी आरोप जो है वो निराधार।